कल का जो एपिसोड है, कल का जो वो राजा बाबू बनकर नजर आए हैं, राजा बाबू का चरित्र उनमें नजर आया है, वो जो कूली बनते नजर आए हैं, ये दिखाता है कि राहुल गांधी कितना एग्जिट कर रहे हैं, ये कहानी साफ साफ पता चल रही है। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं। जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर कंट्रीब्यूट कर वो हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, हमारे कूपर। और नमस्कार, जय श्री आराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपने फिल्म कूली नंबर वन देखी होगी, आपने अमिताभ बच्चन की कूली देखी होगी, आपने गोविंदा की राजा बाबू भी देखी होगी। मैं ऐसा इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय वस्तु ही कुछ ऐसा ही है। राजा बाबू अगर आपको याद होगा तो उसमें आपने देखे होंगे कि गोविंदा कभी वो वकील के कपड़ों में फोटो खिंचवाए हुए थे, कभी डॉक्टर के रूप में, तो कभी किसी पुलिस अफसर के वेश में। ऐसे कुछ राजा बाबू वाली कहानी इन दिनों राजनीति में भी सामने आ रही है। और मैं कूली और कूली नंबर वन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोविंदा की कूली नंबर वन हिट हुई थी और उस दौर में काफी जो उसने पैसे भी कमाए थे, और अमिताभ बच्चन की कूली और बिल्ला नंबर 786 भी आपको याद ही होगा। मैं ऐसा इसलिए बात कर रहा हूं कि कल कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी संसद का जो सत्र, जो स्पेशल सत्र चल रहा है उसको छोड़कर अचानक वो पहुंच गए आनंद विहार टर्मिनल, और आनंद विहार टर्मिनल पहुंचकर वो कूलियों के साथ बैठ गए और उनके साथ जानने में लग गए कि भाई घर द्वार कैसे चल रहा है, खर्चा पानी कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। वो ये जानने के लिए पहुंच गए कि भाई इस देश में जो यात्रियों की बोझ उठाते हैं, जो यात्रियों कि सप्लीमेंट के तौर पर है, जो यात्रियों की सहायता करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या अमूल चूल समस्या है, क्या उनके साथ मुसीबतें हैं, वो जानने के लिए राहुल बाबा कल आनंद विहार टर्मिनल पहुंच गए। जिन्हें आनंद विहार टर्मिनल के बारे में नहीं पता हो तो मैं उन्हें बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित टर्मिनल है, आनंद विहार टर्मिनल। और यहां से जो गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो देश के तमाम भूभाग में जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं उस आनंद विहार टर्मिनल में। आनंद विहार टर्मिनल कोई ब्रिटिश कालीन नहीं है, इसको लमसम बने हुए कम से कम 15 से 20 साल हुए होंगे। बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है आनंद विहार टर्मिनल। ऐसे तो हम बात करें दिल्ली में कई रेलवे स्टेशन है, चाहे हम बात करें नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली, या हम बात करें आनंद विहार टर्मिनल ले लीजिए, और कई हैं ऐसे, रोहिला सराय भी है, उसको भी आप ले ही सकते हैं, तो कई हैं इसमें, तो उसमें से एक आनंद विहार टर्मिनल भी है। परसों जब राहुल बाबा संसद भवन में आए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तमाम गाहे बगाहे बातें चल रही थी, तो अचानक जो कांग्रेस है कभी ओबीसी की राजनीति की कहानी नहीं गढ़ती है, कभी ओबीसी की राजनीति की बात नहीं करती है। शायद जो उनके साथ, जो उनके अलायंस में जो पार्टनर हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आपका राष्ट्रीय जनता दल हो, वो ओबीसी की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने आज तक कभी भी अपने सियासत में कभी भी उसने ओबीसी राजनीति की, वोट बैंक की कहानी को कभी नहीं अपनाया। वहां पर राहुल बाबा ओबीसी की राजनीति की बात करने लग गए थे। वो कह रहे थे आप महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, इस देश में जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास से आती हैं, उन्हें आरक्षण का फल नहीं मिलता है। तो माननीय गृह मंत्री साहब ने उनका जो प्रतिकार किया, जो विरोध में बातें की, तो राहुल बाबा जो है वो संसद छोड़कर वो बाहर निकल गए। तो हमारे जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला कहते हैं कि हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को रहना है रहे संसद में, किसी को जाना है जाए, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो ये दर्शाता है, ये कहानी दर्शाती है कि राहुल गांधी हैं वो राजनीति में कितना सार्वभौम है, वो राजनीति में कितना एग्जिट करते हैं और कितना एग्जिस्ट करते हैं, ये चीजें साफ साफ यहां नजर आ गई है। मुहाने पे चुनाव है, 2024 की तैयारी है, तो 2024 के तैयारी को लेकर आम जनमानस में कैसे अपनी भावभंगिमा को तैयार करनी है, कैसे अपनी कहानी को तैयार करनी है, इसको लेकर राहुल गांधी जी वो पहुंच गए
आनंद विहार स्टेशन, और आनंद विहार स्टेशन पहुंचकर वो टी शर्ट और पैंट में गए थे। फिर उन्होंने लाल रंग का जो कुली भाइयों का जो कुर्ता है उसको धारण किया और अपने बाजू में 756 का बिल्ला लगाया। जी हाँ, लेकिन जो कुली फिल्म में जो अमिताभ बच्चन जी थे वो इकबाल बने हुए थे। वो कहते थे मैं बीड़ी पीता हूँ, सड़क पे रहता हूँ और मैं कुली हूँ, ये सब बातें जो फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन के जो बोल बच्चन थे उन्होंने 756 का बिल्ला लगाया। ऐसे तो हम बात करें अमिताभ बच्चन और इनके परिवार, इनके पिताजी राजीव गांधी में घनिष्ठ संबंध थे। अमिताभ बच्चन इनके चचा लगते हैं, इनके चचा ने तो 786 अपनाया था, इन्होंने 756 अपनाया, 30 अंक का जो है घटक तो जो है इनकी बाजू में बिल्ले में बंधा हुआ था। और ये सबसे मजेदार बातें ये थी कि कांग्रेस के युवराज ने जो जिंदगी में समझे नहीं होंगे कि हिंदुस्तान भारत का जिनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनको जो है कूली के वेश में उन्हें जो है हमने बोझ उठाते हुए भी देखा। वो कूलियों के बीच बैठे, उनसे मंत्रणा की, यंत्रणा की और बात करने लग गए, भाई आपकी क्या समस्या है, क्या कहानी है, क्या तकलीफ है। उनसे मंत्रणा यंत्रणा करने लगे, उनसे जानने लगे कि कूलियों की क्या समस्या है, कूलियों की क्या समस्या नहीं है, कूलियों को कितना वेजेस मिलता है, सामान उठाने के भार क्षमता, फला फला जो बातें हैं वो तमाम बातें जानने लग गए। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि राहुल गांधी साहब जो है आजादी के इस 70 साल के बाद कि उन्होंने कूलियों का हाल जानने की कोशिशें की। ये सरकार 9.5 साल या 9.25 साल जो भी बोल सकते हैं उसे सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो रूल कर रही है। इस 9.5 साल में राहुल बाबा जो है वो कूलियों की हक और हकूक को जानने की कोशिश की है। तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कूलियों का घर कहाँ है, कूलियों का चरित्र क्या है, कूलियों की कितनी कमाई होती है, कितनी नहीं कमाई होती, उनकी घर द्वार कैसे चल रहा है, वो तमाम जानने की कोशिश की है। ये जो कल पूरा स्क्रिप्ट देखने को लग गया, वो जो वो आए हैं टी शर्ट पहन कर आए, पैंट पहन कर आए, फिर ऊपर कूली का कपड़ा पहन लिए, ये पूरा कहानी उनका स्क्रिप्टेड नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले से प्लान था। राहुल गांधी जी सही समय पर सही काम नहीं करते हैं। जब संसद सत्र चलता है तो कहीं और चले जाते हैं, जब संसद सत्र नहीं चलता है तब कहीं खड़े होकर सरकार से सवाल पूछते हैं, जब सरकार से सवाल पूछना होता है तो कहीं और नजर आते हैं। मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंदा जोड़ा वाली कहानी जो है राहुल बाबा के साथ साफ साफ चरितार्थ होते नजर आती है। राहुल गांधी की जो कल की जो कहानी है, कल का जो एपिसोड है, कल का जो राजा बाबू बनकर नजर आए हैं, राजा बाबू का चरित्र उनमें नजर आया है, वो जो कूली बनते नजर आए हैं, ये दिखाता है कि राहुल गांधी कितना एग्जिट कर रहे हैं। ये कहानी साफ साफ पता चल रही है। कल का कहानी देखकर लगा कि राहुल बाबा जो है कि जो कहानी जो कूली के पास जाना था वो एक स्क्रिप्टेड कहानी थी, वो स्क्रिप्टेड कल्चर था, और स्क्रिप्टेड कहानी में नॉन स्क्रिप्टेड लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कहानी को रचा गढ़ा और उन्होंने जो है बोझ भी उठाए और उसका फोटो भी खिंचाया और सोशल मीडिया पे डाला और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे चलने लग गया जननायक वाली कहानी को दिखाया दर्शाने जाने लग गया। तो इसको लेकर भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने लिखा था कि राजा बाबू फिल्म का उन्होंने उदाहरण दिया, गोविंदा का उदाहरण दिया, कि कहा था सिरसा साहब जो है भाजपा के जो नेता है उन्होंने कहा था कि आपने फिल्म में जो राजा बाबू के किरदार देखा था, जो गोविंदा कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी इंजीनियर बन जाता है, कभी पुलिसकर्मी बन जाता है, कभी फलाना बन जाता है, कभी ढिकाना बन जाता है, वही कहानी वही चित्र राजा बाबू की और राहुल गांधी जी की साफ साफ छलक रही है। ये राजा बाबू का चरित्र ऐसे ही नजर नहीं आया है। ये संसद सत्र में कल दो महिला बिल पास हो गया, ओबीसी की राजनीति की भी बात की तो इनके सवाल भी खड़े हो गए, भैया आज तक कांग्रेस ने कभी ओबीसी राजनीति की वोट बैंक की कहानी की बात नहीं की। ओबीसी की राजनीति की वोट बैंक की कहानी तो इनके अलायंस के हिस्सेदार इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो इसके साझेदार रहे हैं, भैया ये कैसे ओबीसी राजनीति की कहानी की बात करने लगे। ये दिखाता है कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है अब किस परिवर्तन की ओर जा रहा है, किस कहानी की ओर कांग्रेस जो है वो अग्रसर होती नजर आ रही है। और राहुल गांधी और राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टंट कोई नई बात तो नहीं है, इनका पॉलिटिकल स्टंट पुराना रहा है। अगर मैं इनकी पॉलिटिकल स्टंट की बात करूं
तो हम उस जमाने में बात करें जब राहुल गांधी की जय जयकार चहुओर हुआ करती थी, जब केंद्र में इनकी सरकार हुआ करती थी। वो अपने विदेशी मेहमान के साथ गरीबों के घर में जाया करते थे, उसके घर में बैठा करते थे, उसके खटिया पर रात गुजारा करते थे अपने विदेशी मेहमान के साथ, और उसका हाल चाल जानने की कोशिशें किया करते थे। उसके बाद उस परिवार का क्या भला हुआ क्या भला नहीं हुआ वो कहानी बाद की नजर आती रही है। ये राहुल गांधी का चरित्र है। राहुल गांधी यही नहीं रुके हैं, राहुल गांधी अपनी अम्मा और अपनी बहन के साथ राजस्थान और हरियाणा में भी घूमते नजर आए हैं, वहां पर लोगों का हाल चाल पूछने की कोशिश भी की है, वहां उनके शादी ब्याह का भी बातचीत चला, वहां पर शादी ब्याह का भी हंसी ठिठोली वाली कहानी चली, तमाम तरह की बातें नजर आई हैं। और कुछ कैमरे लेकर राहुल गांधी उनकी बहन के घर में भी कैमरा चला गया है, और उनसे सोनिया जी से पूछा जाने लगा कि वो शादी के बाद आई क्या दाल बना था उनके घर में, कि दाल नहीं, क्या दाल बनाने आता है, क्या खिचड़ी बनाने आता है, क्या पुदीना बनाने आता है। इस तरह की कहानी पोस्ट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक सहानुभूति की कहानी को गढ़ने की कोशिश की गई, और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि भाई ये भी एक कॉमन मैन है, ये कॉमन सिविलियन है, जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उनके साथ ये कहानी बरकरार दिखती है। ये चाल चरित्र इनका यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आता है, ये चरित्र यहाँ पर इनका एक्सपोज होता जर्रा जर्रा नजर आने लग जाता है। तो राजा बाबू की कहानी यही नहीं है, इनकी राजा बाबू की कहानी बहुत लंबी ही है। कल कुली वाली कहानी जो सबने देख लिया, कुली नंबर वन गोविंदा और कुली अमिताभ बच्चन के इकबाल वाले किरदार में वो सटीक बैठे, बस मैंने पहले ही बोला बस 30 अंकों का फासला हो गया, वो बिल्ला नंबर 786 लगाए थे अमिताभ बच्चन, यहाँ बिल्ला नंबर 756 लगाए थे। राहुल गांधी का स्टंट कोई नया नहीं है, कभी वो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं और उसके साथ लंबी यात्रा कवर करते हैं, और वहां पर स्लोगन लगता है डरो मत। भाई कौन किससे डर रहा है इस देश में, इस समय कौन किससे डर रहा है? इस देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो भाई डेमोक्रेसी में कौन किससे डर रहा है, किसको किससे डरने की जरूरत है, ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ प्रेस सेंसरशिप लगाई गई हो, सरकार द्वारा प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई हो कि प्रेस में बोलना मना है, लिखना मना है, गाना मना कर दिया गया कि आप हमारे खिलाफ नहीं गा सकते हैं। ये तो उस दौर की बात है जब आपातकाल का दौर था, जब हम बात करें किशोर कुमार को दूरदर्शन पर उनकी गाना रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई थी, तब की वो चर्चा नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया पर लिखते हैं इनके जो शहदा है वो भी लिखते हैं डरो मत, तो भाई कौन किससे डर रहा है। तो अमेरिका में भी ट्रक ड्राइवर के साथ चलते हैं, और वहां जो भारतवंशी जो ट्रक ड्राइवर है जो अमेरिका में या कनाडा में जो ट्रक चला रहा है, उससे उस सरकार की मौजूदा सरकार भारत के बारे में गहन चर्चा और चिंतन करते नजर आते हैं। फिर वो भारत में भी आते हैं, भारत के ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, और उसके जो कैबिनेट में बैठ कर ट्रक की वो कश्मीर से लेकर पंजाब हरियाणा तक की सफर और यात्रा करते हैं, और वो पूरा सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि जननायक निकले हैं और भारत को जानने की फिराक में हैं, भारत को जानने की कोशिश में हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में इन चंद 9.5 सालों में क्या क्या जो है जनता में क्या क्या समस्याओं से ग्रसित है, कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, ये जानने की कोशिश की। ये राजनीति और इनका राजनीतिक स्टंट यहाँ पर साफ साफ जर्रा जर्रा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ जाता है। अब फिर से हम कूली पर आते हैं। भाई अगर कूलियों का हाल जानना था कांग्रेस को, अगर कूलियों की हाल जानने की कोशिश करनी थी, ये जो कल हुआ है ये स्क्रिप्टेड था, ये बहुत पहले से स्क्रिप्टेड था कि वहां पर राहुल बाबा जाएंगे, वहां पर फिर कूली का कपड़ा मिलेगा, फिर वो कूली का कपड़ा पहनेंगे, फिर आनंद विहार टर्मिनल जाएंगे और कूलियों से उनका सूत्र लेंगे और संवाद करेंगे। वहां पर राहुल गांधी जो कूलियों के बीच गए तो कूली भाइयों के बीच में उनके जय जयकार भी लगाया गया। जाहिर सी बात है, राजा का बेटा है, एक स्टीम फैमिली से आते हैं, एक रसूखदार फैमिली से आते हैं, गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, तो भाई ये कूलियों के बीच जाते हैं तो जय जयकार तो इनका होना लाजमी है, और जय जयकार वाली कहानी तो यहाँ पर होती तो नजर आएगी। वो कैसे है, परिवार कैसे चल रहा है, कहानी कैसे चल रही है, चरित्र कैसे चल रही है, तमाम तरह की बातों को वो गौर फरमाते नजर आए, परिवार का भी हाल पूछा, और जो कुछ हमारे कूली भाई थे जो उनके बीच में कोई आया है तो वो बात करते, उनको प्रेज करते नजर आए। ये सब क्या था, वो सब स्क्रिप्टेड था यहाँ पर। तो आज की हम दौर की बात करें, वो कूलियों की बात कर, अब देखिए अब अगर आप ट्रेन में सफर करते होंगे, अगर आप ISBT कभी गए होंगे तो आपने एक बातें नोटिस की होंगी, पहले क्या था, ट्रंक रहता था, बक्सा लोहे का,
साजो सामान रहते थे, माथा पे रख के लाते थे, उसको उसको उठाकर लाना भी काफी मुसीबत भरा था, तो ज्यादा ज्यादा कूली का इस्तेमाल हुआ करता था। अब क्या है, एक ऐसे लगेज वाले रखने वाले जो अटैचियां आ गई हैं या बैग आ गए हैं जिसमें पहिया लगा रहता है और वो घसका कर चल जाते हैं। अब पूरा आनंद विहार टर्मिनल जो है वो सीमेंटेड है, सिर्फ अगर आप चढ़ते हैं सीढ़ियों पर तो आपको बैग उठाना पड़ता होगा, अन्यथा या तो फिर जो सीमेंटेड है आप उसको घसका कर भी लेके चले जाते हैं। हम सभी जब ट्रेन में सफर करते हैं, हम जो स्टेशन जाते हैं या सड़कों चलते हैं, जो पहिया रहता है स्टेशन पे चढ़ते हैं, तो हम उसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उठाने की कहानी परंपरा नहीं, आम जनमानस है उसके पास जो पहिया वाला सूटकेस है, अटैचियां हैं, बैग हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अब कूली की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है, वो लोग जो कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं, जो अधिकारी कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जो शिफ्टिंग की कहानी है, हम सफर की वाली की बात नहीं कर रहे, शिफ्टिंग वाली कहानी की बात कर रहे, तो उनका लगेज, उनका साजो सामान अत्यधिक होता है, वहां पे कूलियों की आवश्यकता होती है। अब कूलियों की भी आवश्यकता जो है वो जब से पहिया वाले लगेज खींचने वाले आ गए हैं तब से उनका जरूरत भी नग्न हो गई है, मतलब कम हो गई है पहले से। तो मैंने कई कूलियों से बात किया, जब ये कहानी इनकी देखी तो कल मैं कई कूलियों से बात किया, वो ऑफ द कैमरा बात किए, कल मैं शाम को गया स्टेशन जो हमारे नजदीक में है धनबाद स्टेशन, तो उन्होंने बोला कि भाई अब कूली सूली से गुजारा भत्ता नहीं चलता, अब उन्होंने अपना खुद तो उन्होंने कूली का काम किया जो वयोवृद्ध थे, अब उन्होंने बच्चे के लिए अपना एक चाय का टफरी खोल दिया है, अब वो अपने चाय की टफरी चलाने का काम करते हैं। अब बहुत लिमिटेड लोग हो गए हैं जो कूली वाला काम करते नजर आते हैं, जिनके लगे जो सामान बहुत अत्यधिक है, जो शिफ्टिंग है, जो कोई उनका जलसा है या कुछ होता हो तो उसी में ही ज्यादा ज्यादा सामान लेकर आते हैं, अन्यथा लोग जो है वो अपने सुविधाजनक लगेज लेकर आते हैं और खुद घसीट कर चलते हैं। ये कहानी, ये चाल चरित्र चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आता है। तो ये बातें राहुल गांधी जी की है और जननायक कल गए थे और जननायक ने पूरा ख्याति बटोरने की कोशिश की, एक तरह संसद का सत्र चल रहा है, टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जननायक की कुली नंबर वन ही बने हुए थे, उनका लाल ड्रेस में उनकी कहानी दिखाई जा रही थी और उनके उनके एक्स पर सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा हुआ नजर आया था, डरना डरो मत भाई, कौन किससे डर रहा है, ये राजनीति में कौन किससे डर रहा है और इस राजनीति में कौन किससे डरना चाह रहा है, ये कहानी यहाँ पर जर्रा जर्रा साफ साफ यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ रहा है, ये कहानी बिल्कुल नजर आ रही है कि कौन डर रहा है कौन डर नहीं रहा है। अब ये राजनीति कहानी का फलसफा, राजनीति का चरित्र यहाँ पर जर्रा जर्रा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ जा रहा है कि कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, ये कहानी बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी जी का कई किरदार में हमने देख लिया है, कई कहानी देख ली है। राहुल गांधी जी तो चलिए हमारे देश के नागरिक से मिले, ये बातें तो अच्छी है, कम से कम कोलियों का भी सुध उन्होंने ली, उनकी सुधी तो ले ली, ये तो वो है, वो चैरिट हाउस लंदन में जाते हैं जहां पे वो तथा कथित बुद्धिजीवी भारत विरोधी गंतव्य को साधने वाले लोग चैरिट हाउस लंदन में बैठे रहते हैं, जिनको भारत बुरा लगता है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम यूनियन के लोग जहां मौजूद होते हैं, जिन्हें भारत और भारत की सरकार से नफरतें बेशुमार होती हैं, उनके बीच में जाते हैं, कहते हैं भारत में प्रजातंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में कहानी खतरे में है, भारत में चरित्र खतरे में है, वो सब कहानी बार बार यहाँ पर एक्सपोज होती नजर आती है। राहुल गांधी तो चीन के साथ भी कभी कभी अंधेरे में चीनी जो दूतावास है वहां पर भी जाते हैं और कैमरे में घिर जाते हैं, ये नहीं बताते हैं कि भाई इनकी कांग्रेस और जो चाइना सरकार है, जो चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसमें क्या क्या गठबंधन हुआ है, उसमें क्या ट्रीटी हुई है, उसके बारे में भी बात करते नजर नहीं आते। लेकिन मुहाने पे चुनाव है, 2024 का रण है, तो रण का खंभा गाड़ने के लिए राहुल बाबा कुछ ना कुछ तो करते नजर आएंगे, कुछ ना कुछ तो करते नजर आएंगे। अब रात गुजारने वाली कहानी, खटिया पे सोने वाली कहानी, अपने विदेशी मित्र के साथ जाने वाली कहानी, वो हमने मनमोहन काल में देखा है, मनमोहन काल में वो खूब ख्याति भी बटोरते थे, उस समय थोड़े दाढ़ियां नहीं पकी थी उनकी और थोड़ा क्लीन शेव रहा करते थे, लेकिन अब तो डरना डरो मत, वो जो कहानी जो चरित्र है कार्ल मार्क्स की तरह थोड़े लगने लग गए, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए हैं, पूरा कार्ल मार्क्स का चार चरित्र और चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता उनका नजर आने लग गया। मुझे नहीं पता कि कूली नंबर वन से कितना प्रभावित रहे होंगे गोविंदा के किरदार से, लेकिन हाँ यहाँ पर वो अमिताभ बच्चन की कूली से जरूर यहाँ पर प्रभावित होते नजर आएंगे, क्योंकि नाम चरित्र और चेहरा वहां पर बिल्कुल
कूली में अमिताभ बच्चन का क्या था, ये तो सबको पता है, वो सबको चरितार्थ होता नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर कंट्रीब्यूट कर वो हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे कू पर और एक्स यानी ट्विटर पर। तब फिर मिलते हैं, जय सियाराम। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत।